हर बार ये प्रेशर बनाया जाता है कि हम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या हमारे काम हो, या वो बार बार हाई कमान पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर काम करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार 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 दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है? जिन उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। जैसे हमारे बुढ़ा जी ने बताया कि अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुने। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है। हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। मेरा भी एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि बिना शर्त आप लोग आए थे, लेकिन अब जब आप डिमांड किया आपने, इस डिमांड पर क्या अर्थ लगाए थे? बिना शर्त हम लोग आए थे, पर उन लोगों को भी जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार नहीं बची, वो लोग छोड़कर चले गए थे पार्टी। सरकार जो बची है वो हमारे साथियों की वजह से, हमारी टीम की वजह से, हमारे निर्दलीय साथी और हम जो लोग आए हैं हमारी वजह से सरकार बची है। तो उन लोगों को जो बार बार हाईकमान पर जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दबाव हाईकमान को नहीं मानना चाहिए। और जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया, उनको जो भी पार्टी हाईकमान निर्णय करे, मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करे, वो उनके पक्ष में करना। आपकी डिमांड क्या है इनाम में? मेरा मीन्स ये है कि जिन लोगों ने भी सरकार बचाने का काम किया, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे काम कर रहे हैं। हमें उनसे कोई किसी भी तरह का कोई उनसे हमारे मन में किसी तरह का उनसे कोई ऐसा भाव नहीं है। हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारा काम भी कर रहे हैं। बट साथ में हमारी ये मांग है